जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, जो कि आज की क्लास है हमारी एवरेज औसत से जुड़े हुए क्वेश्चंस की। तो मैं औसत का सामने आपके सामने एक क्वेश्चन है, हम इसे लगाएंगे। तो फटाफट लगाना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, औसत से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि 10 छात्रों का जो औसत है वो 45 और 15 अन्य छात्रों का जो औसत है वो 40। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 15 ये हैं, 10 ये हैं, ठीक है। तो 10 का औसत क्या है, 45 दिया है, ठीक है। 15 का औसत 40 दिया है। सभी छात्रों को का जो टोटल औसत है यानी कि प्राप्तांक जो है वो आपको फाइंड आउट। तो सिंपल सा सवाल है, देखिए 10 छात्र हैं आपके, उनका औसत निकालना है। तो 10 गुणा 45 तो टोटल हो गए 450। 15 छात्र हैं और उनका औसत है 40 और 15 चौके 60 यानी कि टोटल हो गया 600। तो टोटल 25 स्टूडेंट्स हुए, उनका औसत कितना हुआ, 1050, ठीक है। तो टोटल अब औसत निकालना है, तो हमने पहले ही पढ़ा है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल क्वांटिटीज। इतना क्लियर है जी। तो इसके बाद सम ऑफ क्वांटिटीज यानी कि सम हमने कहां निकाला, यहां पर निकाला है इनका सम। तो 1050 बटा 25, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 5 दुनी 10 यानी कि 5 आगे जाएंगे यानी कि 25 दुनी 50। तो आंसर क्या आ रहा है, 42। कितना होगा 42, 42। तो ये आपका आंसर रहेगा पहले। बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जाता है पेपर में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 यात्रियों का जो औसत है वो 60 किलोग्राम है कि केजी इसमें दिया है। 18 का 55 है, तो टोटल भार क्या थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चे, सेम सिमिलर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह, सभी ट्राई करिएगा। 12 यात्री हैं, उनका औसत भार यानी कि टोटल हो गया 720। कितना हो गया 720। इसी प्रकार से 18 और यात्री हैं, उनका 55 है, तो कितना हो गया 990। तो टोटल कितना हो गया 0, 9, 10 और 11, 1, 10, 17, 1710। टोटल छात्र कितने हो गए, यात्री कितने हो गए, 30। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 30 जीरो से जीरो गया, तीन से काट दीजिए, 3 5 15 और 3 7 21 57 आपका सही आंसर आएगा सबका, यानी कि 57 किलोग्राम जो है वो उनका वेट रहेगा, भार रहेगा, इस प्रकार से होगा। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लगने चाहिए, क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप अपना कमेंट कर सकते हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन एक और लगाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, लगाइएगा भैया, लगाइएगा क्वेश्चन, लगाइएगा, सिमिलर है, लगाइए, जोर लगाइए, जोर लगाइए, सोचिए क्या बता रहा हूं।
सिमिलर क्वेश्चन है, कैसे होगा, 20 व्यक्ति हैं, उनका औसत आयु 25 है, तो कितना हो गया 500 ठीक है जी। 20 वर्ष की औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और हो गए हैं, यानी कि 20 साल के और हो गए हैं, इसका क्या अर्थ हुआ, 20 साल के 5 व्यक्ति हुए तो 5 × 20 कितने हो गए 100, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, औसत कितना हो गया 600, तो एवरेज किसके इक्वल है ये आपको पता है, 600/25 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। सिमिलर प्रैक्टिस रहेगी, प्रैक्टिस सेम रहेगी बेटा, क्लियर है ये सबको, सभी साथ में बताते रहे, कमेंट करते रहिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चालीस व्यक्तियों की औसत आय 4200 है, सोचिए किस प्रकार से करेंगे, सिमिलर है, 40 व्यक्तियों की औसत आय है कि सबकी इनकम, 40 व्यक्तियों की जो इनकम है वो लगभग 4200 है और 3500 व्यक्तियों की जो है वो 4000 है, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है, यानी कि 40 ये हो गए 35 ये हो गए, टोटल कितने हो गए भैया, कितने हो गए बच्चा 5, 4, 3, 7 75 लोग हो गए टोटल, ठीक है, 0 0 40 की 4200 है यानी कि 4 0 4 2 8 और 4 4 16 क्लियर है, इतना ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार से प्लस 35 व्यक्तियों का औसत कितना है, 1 2 3 0 ये आ जाएंगे 5 × 20 4 × 12 13 14 टोटल प्लस कर दो कितना हो गया 1 2 3 ये 8 हो गया 6 4 10 1 2 1 3 कितना है, ठीक है 308/75 कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपका लमसम कितना आएगा, काटिए काटिए सभी ट्राई करिए, सभी ट्राई करिएगा, तो 25 दिए 75 और 25 × 25 5 यहां गए 25 × 50 3 2 0 ठीक है, ठीक है 12 320/3 ठीक है, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी बनाकर ले सकते हो, ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, और ऐसे भी सिंपल ये भी तरीका रहेगा, पॉइंट्स में रहेगा, ऑप्शन पे डिपेंड है,
इस वक्त ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है मैडम, ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका आंसर सही रहेगा। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, 6 व्यक्तियों की व्यक्ति जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है वो कहीं चले गए, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु बतानी। आठ व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है जी? 8 × 42 का तो 336। ठीक है, अब आगे पढ़िए। 6 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? 4 वर्ष है। ठीक है, और कहीं और चले गए हैं, यानी कि जो 6 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 4 वर्ष है वो कहीं चले गए हैं, तो जहां पे आपके 8 थे, जहां पे आपके 42 वर्ष की औसत आयु, तो 6 व्यक्तियों की औसत आयु यानी कि 4 वो आई है। ठीक है, 36 − 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वर्ष नहीं होगी, 48 वर्ष होगी। ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, 48 होगी जी। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों की तो 4 ही आएगा, वैसे तो 6 चौके 24 ही बनेंगे, पर 48 होगा यहाँ पे, तो कितना हो गया? 288। ठीक है, ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा क्या था, वो कहीं चले गए थे ये सभी, है ना, तो वो वाले इसमें काउंट है, इसलिए इन दोनों को माइनस कर दो, कितना बचेगा अब आपका? 48। कितना बचेगा? 48। ठीक है, और औसत आयु में अगर ये इसमें से माइनस कर रहे हैं क्योंकि इसमें इसका औसत है, तो 8 व्यक्तियों में से 6 चले गए, तो बच कितने गए? 2 व्यक्ति, तो एवरेज कितने की है ये? 2 व्यक्तियों की है, तो 2 व्यक्तियों की, तो एक व्यक्ति की एवरेज ऐसे सिंपल सा कर सकते हैं प्रॉपर लॉस के तरीके, एक व्यक्ति की औसत आयु निकाली तो 48 / 2 24, तो भी आपका आंसर मैच होगा। ठीक है, ये मिस्टेक थी, इसलिए अगर किसी बच्चे ने या फिर 4 वर्ष के साथ किया होगा कोई इशू नहीं है। देखो कैसे, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, वो तो हमने 336 निकाली, देख लेते हैं आंसर ऐसा क्या आ रहा था। ठीक है, तो 6 व्यक्तियों की औसत आयु 4, 6 × 24। ठीक है जी, तो डिफरेंस कितने का आ गया थी? 2 होगा, 24 में से चल लेस कर दो, 2 ये हो गए, है ना, और 33 में से 2 हो गए तो 31, 312, तो ये 2 व्यक्तियों की औसत, तो एक व्यक्ति की औसत क्या हो जाएगी? 312 / 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 66, 2 × 6 = 12, तो यानी कि 156 निकलनी थी, बस होना कुछ नहीं था बच्चों, आंसर मैच नहीं होना था, इसलिए मैंने यहां पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, गड़बड़ थी, तो मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर है जी? यस सर। कितना समझ आया जी? सभी बता सकते हैं, लाइव है आपके सामने, और कितना समझ आ रहा है जरूर बताते रहिए, कमेंट साथ में कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन प्राइम मार्जिन फिर से, 15 मजदूरों की औसत आमदनी जो है, आमदनी क्या होती है भैया? इनकम होती है ना, पैसा कितना कमा रहे हैं, तो 65 रुपए कमा रहे हैं, तो 15 मजदूर जो है वो कितना कमा रहे हैं? 65, तो उनकी एवरेज आ जाएगी 60 आदमियों की औसत एवरेज कितनी है? नहीं, यदि 60 रुपए औसत आमदनी जो है वो 10 मजदूरों की है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, 10 मजदूरों की कितनी बताइए? 60 बताइए, जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है,
15 को अगर हमने 65 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? 975। और इसका कितना आएगा? 600। अब आगे क्या हुआ था? वो भागे थे, शेष रह गया। शेष मतलब लेफ्ट। इसका मतलब यहां पर भी आ गया 5 मजदूर। इसका भी माइनस किया, कितना आ गया? 375। तो एक मजदूर की निकालनी है ना, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक एवरेज होती है। तो 375 बटा 5, 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25। तो 75 इसकी एवरेज जो है वो आ रही है, और 75 ही इसका आंसर सही है। ठीक है, फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। टोटल क्वांटिटीज 1, 2। ठीक है, एक व्यक्ति की निकालने के लिए एवरेज निकालने के लिए। बोलो क्लियर है ये सभी को? सभी ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है। जितने मजदूर हैं उनकी एवरेज दी थी, शेष व्यक्तियों की निकालनी है, यानी कि रेसिड्यू निकालना है, शेषफल। तो हमने शेषफल को जो है वो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन से निकाला है, क्योंकि वो उसमें काउंट थे। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। कोई क्लास है उसमें 60 बच्चे हैं, उनका औसत भार 55 है। यदि लड़कियों की औसत 50 और लड़कों का औसत 65 है, तो लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या बतानी है, कितनी संख्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 60 स्टूडेंट्स थे टोटल, जिसमें बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। तो पहले लड़कियों की बारी आई है, तो 50 लड़कियां आ गई, 50 किलो भार, और लड़कों का औसत दिया है 65। ठीक है जी, मगर एवरेजेबल जो है वो 55 है। ठीक है जी, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने आपको पिछले चक्रों में भी करवाया है, कितने का आ जाएगा डिफरेंस? 5 का, और इसका रह गया जी कितने का? 10 का। रेशियो में कन्वर्ट करिए, कितना आ गया बेटा? 1:2, क्योंकि 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10। ठीक है, टोटल रेशियो कितनी बन गई? 3 हो गई जी। बहुत बढ़िया, समझ आया कि नहीं आया? लड़के निकालिए, लड़कियां निकालिए, जो मर्जी निकाल लो। लड़के निकालने हैं, हम लड़कों को भी निकाल देंगे, लड़कियों को भी निकाल देंगे। लड़कों की बात करते हैं और यहां पर लड़कियों की बात करते हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? 2 / 3, यानी कि अपॉन 3 आ जाएगा, क्योंकि टोटल रेशियो नीचे आती है। ठीक है जी, और साथ में उनका यानी कि टोटल छात्र क्लास में कितने थे? 60 थे। कितने थे? 60। तो 6 × 12, सॉरी 3 × 6, ठीक है। तो टोटल लड़कियां कितनी हुई बच्चों? 40। और 40 − 60 कितने हुए? 20। तो लड़के कितने हुए? 20। फिर भी आप बच्चे बोलते नहीं, सब फिर से पूरा डिटेल से बताओ। 1/3 × 60 करो, बॉयज की रेशो ऊपर आ जाएगी, तो कितना आ गया? 20। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले भी अपने पिछले चैप्टरों में, जो कि हमने चैप्टर किए थे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट, उसमें भी यही चीज सिखाई गई है। तो आप पिछली वीडियोस भी हमारे साथ साथ में काम में रखें। कितना समझ आया है ये जरूर बताएं, कमेंट करें सभी साथ साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही साथ शेयर करिएगा, और इसी नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सेम रहेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, कोई चेंज नहीं है। मैथ कोई बदलाव नहीं आता है मैथ में, ट्राई करिए मैथ में, ट्राई करिए मैथ, ट्राई मानता है। कितना समझ आ रहा है जरूर बताते रहे, जरूर बताते रहे, कितना समझ आ रहा है? छह
क्वेश्चंस आपको क्लियर होते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 80 कर्मचारी है ठीक है टोटल, और उसमें जो पुरुष है और साथ में महिला कर्मचारी भी है, तो पुरुषों का औसत है 54, महिलाओं का है 38 से ठीक है, और टोटल इनका जो निकाला है वो 50 ठीक है जी। तो डिफरेंस कितने का आया है देखिए, कितने का आएगा 4 का, और यहां पे कितने का आएगा 14 का ठीक है जी, 2 × 4 = 2 × 7 = 14 ठीक है, टोटल हो गया 9, कितना हो गया 9 आ गया 12 ठीक है, 2 × 4 = 6 × 4 = 12 तो 1:3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1:3, तो टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी 4। अब पूछा क्या है महिला और पुरुष, किसी को भी निकालो, महिला निकालो, महिला निकालो, पुरुष निकालो, पुरुष। अब देखो अगर हमें पेपर में स्पीड में करना है ना, तो यहां पर 1 लिखा है, हम 1 को निकालेंगे यानी कि महिलाओं वाला निकाल लेंगे, 1/4 × 18 तो कितना हो गया 20, यानी कि महिलाएं कितनी है 20, तो 60 क्या हुए क्योंकि टोटल कितने हैं 80, तो ये आपका आंसर जो है वो डायरेक्ट आंसर निकला ठीक है। शॉर्टकट करने की कोशिश करिए, पेपर को सिंपल बनाने की कोशिश करिए, डिफिकल्ट नहीं करना है क्वेश्चन को, उसको सिंपल से फॉर्म में बनाने की कोशिश करना। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कितना क्लियर हुआ है जी? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न है। 24 संख्याओं का औसत 25 है, यानी 24 नंबर है उनका औसत 25 है, जिसमें से पहली 15 का औसत 20 है, अंतिम 8 का जो है वो 35 है। मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है जी, इस प्रकार से आगे भी चलते जाएंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 और 24। अब ये कहता है कि पूरी इन संख्याओं का जो औसत है वो 25 है, जिसमें से पहली 15 यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो संख्या है इनका औसत कितना है 20, कितनी का है 15 का, 15 का औसत कितना है 20, यानी कि टोटल कितनी होगी 300। अंतिम 8 देखो ठीक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरी 8 कट गई, उनका कितना है 8 का 35 ठीक है जी, तो कितना हो गया 5 × 8 = 40, 280, 4 × 24 = 4, 28 ठीक है जी। टोटल औसत कितना हो गया जो इतने मैंने काटा है 580 ठीक है। अब टोटल औसत पूरों का कितना है, ये 16 को इंक्लूड अगर हम कर लें, अगर हम 16 को इंक्लूड कर लें ठीक है, तो और उसमें से इनको डिस्क्लूड कर दें कि निकाल दें ठीक है, तो 16 का निकल जाएगा यस ठीक है, तो 24 गुणा 25, 25 × 24 = 100 यस सर ठीक है, 25 × 50 और 50 में 10 डाले तो 600 यस सर, और डिफरेंस कितने का आ गया 20 का, 20 का कितने का आ गया 20 का, 20 ठीक है जी, और आंसर क्या आया 20।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम पे जो डिपेंड आते हैं एवरेज के, वो क्लियर हुए। क्लियर हुआ ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, ट्राई करिएगा। 11 है, सिंपल सेम मेथड रहेगा बच्चों। मैंने जैसे आपको बता रहा हूं, पर आपने पेपर में गिनती नहीं लिखने लगना है, माइंड में रख लो। ऐसे तो करते ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अभी उन्होंने बोला पहली छे, यानी कि पहली छे का औसत 15 है, यानी कि 6 × 15 ठीक है जी, 5 × 6 = 30 ठीक है, और 90, और अंतिम चार संख्याएं 1, 2, 3, 4 का कितना है 8 ठीक है जी, यानी कि 4 × 8 कितना हो गया 32, टोटल कितना हो गया 2 × 12 = 22 ठीक है जी। अब पूरों का कितना है 11 × 12 कर लो, कितना हो गया 132। डिफरेंस कितने का आ गया 10 का, माइनस क्यों किया, टोटल में से वो डिस्क्लूड कर दिए जो दिए थे, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो 10 होगा। तो आई होप कि आपको ये टाइप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये टाइप नंबर सिस्टम से जुड़ा होता है जो कि एवरेज का है, आपने ये बहुत अच्छे से परफेक्ट करना है ठीक है। और भी मैं नए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।